Last time عن آخر موجزة ان انزلناه ما انزلتوا كهوالا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر ابي تبشيروں میں نازل ليله القدر میں ہم کا لفظ تو ہم استعمال ہونا چاہیے تھا تنزل الملائكه والروح فيها باذن रब रब हाँ। इतनी ना नहीं हमारी मर्जी से बेनी रब भी हिम मिनकुल्ली अमरिल सलामी अहता मतलाफज कुरान ने बार बार जहाँ इसका इस्तेमाल किया है फ़ौर अल्लाह की तोहद भी वाजह कर दी फ़ौर एक लफ्ज से या एक ताबीर से वो बात सामने दोबारा आ जाती है सुल्हान Okay, आपका सवाल है मैंने बताया था अना मैं है और यहां इन्ना हम है थोड़ी सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी तो ये अगर इन्नी होता तो ये मैं होता ठीक है जिस तरह उर्दू में है ना मैं और मुझे और मेरी तीनों लफ्ज किसके लिए हैं मेरे लिए है। इसी तरह नखनू ना वो दोनों हम के लिए हैं और अना और नी और ई वो मेरे लिए हैं जब इन्ना आ जाता है तो साथ में इन्ना नाहनूनी कहते इन्ना कहते हैं हम के लिए अगर ये अना होता तो ये इन्ना ना होता इन्नी होता इन्नी होता जी ठीक बेशक हम थोड़ी सी ग्रामर थोड़ी सी तकलीफ थोड़ी सी होगी ग्रामर सीखने से लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना वैसे अरबी होती है शुरू में तकलीफ होती है फिर ठीक हो जाती है

इन नजालीका में नाजमिलमूर बेशक ये बहुत यदरि अजीमत वाले कामों में से है अजीमत अरबी में उर्दू में क्या सही लफ्ज़ होगा जो कमिटमेंट जो ज़्यादा दिखाता है ना और हिम्मत दिखाता है बड़ी हिम्मत वाले कामों में से इस तरह समझते इन नजाली का में नाजमिलमूर यानी यह कोई छोटा काम कारनामा नहीं है इससे बहुत हिमत इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसी तरह आगे कह दिया लतुबल्नफ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम तुम्हें तुम्हारी तुम्हारे अमवाल में और तुम्हारी तुम्हारे अपने मामले में बहुत सारे इम्तहानत दिए जाएंगे तुम्हें तुम्हारा इम्तहान लिया जाएगा व बोला तस्मा मिनीना ऊतुल्कताब अमिन व वमिना अशरक उजन कहरा और तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ देने वाली बातें सुनने को मिलेंगी उन लोगों से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से जिन्होंने शिर किया बहुत सारी तकलीफ़ अजियत देने वाली बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी इसकी और तस्मा में है लाजमन सुनने को मिलेंगी बेशक सुनने को मिलेंगी फिर कहा वह इन तस्विरूँ व तब और अगर तुम फिर भी सब्र करो और तकबे को थामे रखो फ इन नजा लिखा मनाजमिलोम तो फिर ये ये तो बहुत हिम्मत वाले कामों में से है दोबारा वही ताबीर इस्तेमाल हो रही है है ना लेकिन थोड़ी सी इसमें ज्यादा तो है क्योंकि फा का इजाफा किया गया है पहले से उसमें भी एक जरा कलाम में जोर ज्यादा आ जाता है और आप देखोगे पहली में कहा था जो भी मुश्किल आए उस पर सब्र करना लेकिन यहां पर कुछ मजीद बात की है ना कहा है कि तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी तरह तरह के इम्तहान लिए जाएंगे और फिर उसके बाद कहा सबर भी नहीं करना सबर के साथ क्या करना साथ तकवा भी थामे रखना तो फ इन ददालिका उमूर लेकिन एक बहुत ही ज्यादा मजीद जोर के साथ ग्रामर के अतबार से एक तीसरी मरतबा ये ताबीर यह मुहावरा इस्तेमाल किया गया वो तीसरा है वो सबरा व गफरा र इन निका लमिन और इन निका लमिन नाजमिल उमूर ये तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले कामों में से है यह जो नाम है ना इन्ना दाली का ला मिन आजम इसको अरबी में लामो तौकीद भी कहते हैं लामक कसम भी कहते हैं यानी कसम है कि यह बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले कामों में से है इसमें कोई शक नहीं यानी यह जो तीसरी दफा यही मुहावरा इस्तेमाल हुआ सूरत शुरा में इसमें ज्यादा जोर है बाकी दोनों की नस्बत तो सवाल पैदा होता है कि इसमें ज्यादा जोर क्यों दिया गया और उनमें ज्यादा जोर बदस्पतन कमजोर उनमें क्यों है सबर के दो पहलू हैं यहां पर एक है कि आपके साथ ज्यादा हो रही है और आपको बर्दाश्त करना है आपके साथ ज्यादा हो रही है आप जवाबी कार्रवाई करने की आपके पास अभी सलाहियत नहीं है आपके पास वो कौत नहीं है ना आपके पास वो इकतदार है कि आप उसकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई कर सकें आपके पास अब क्या चाह रहा है सबर ठीक है और फिर यहाँ पहली आयत में भी जो कुछ मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए उस पर सब्र करना अच्छा पहले इंसिडेंटली ये हमारा मजमून नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ें अहम हैं खास क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं तो उर्दू में कुछ अल्फाज जो कुरान में भी आते हैं ना हम उसका गलत मायना ले, ले लेते हैं उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुसीबत है मुसीबत मुसीबत उर्दू में कोई अच्छी चीज़ के लिए बुरी चीज़ के लिए कहते हैं बुरी चीज़ के लिए कहते हैं अरबी में असाबा सवाब से निकला है सवाब कहते हैं जब तीर मारो और बिल्कुल सही टारगेट पर जाके लगे ना वो सवाब है इसीलिए नई अरबी जबान जदीद अरबी जबान में भी दो जिस तरह हम कहते हैं सही और गलत वो कहते हैं सवाब अम खा वाब अम खता गलत के लिए और सवाब सही के लिए इसाबा कहते हैं जब कोई चीज अपने टारगेट पर सही से जाके लगे तो जब तीर सही टारगेट पर जाके लगता है तो वो मुसीब है वो तीर मुसीब है और बहुत सारे तीर हर से हर एक तीर अपने अपने टारगेट पर जाकर सही तरीके से लगे अपने हदफ पर तो वो मुसीबा हैं जो चीज़ मुझे आकर लगनी थी जो तजुर्बा मुझे होना था जिस चीज़ का मुझे सामना करना था वो बिल्कुल सही टारगेट पर आई है उसी ने आना था और ये इसाबा अरबी में सिर्फ बुरे के लिए नहीं अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होता है لنا هو مولانا. हमारे ऊपर तो कुछ आयगा सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे हमारे खाते में लिखा हमारे खिलाफ नहीं लिखा इल्ला علينا لنا هو مولانا हमारे लिए लिखा है तो मुसीबत का लफ्ज उर्दू में हम बुरे कामों के लिए जो बुरी चीज़ आपको आके लग जाए उसके लिए मुसीबत अरबी में मुसीबत अच्छे और बुरे दोनों के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है खैर तो यहां पर इन वन सबर और वजह कर वफ़र इन नदाली का लमिन आज़म अमूर देखें आप फर्ज करें ये होता रहता है ये लोग कुरान की कॉपी को जला रहे हैं या ये रसूल के कार्टून बना रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं राइटूनफी ऊन बी अफवाह राइट और फिर हम हमें आता है गुस्सा कि इसकी कोई जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए इसमें मैंने बहुत अर्सा पहले एक लेक्चर भी दिया था कि हम जिस किस तरह इस पर रिएक्ट करते हैं और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है और फिर किस तरह हम एक्चुअली जाने बगैर बग़ैर सही इल्म के हम उनका फ़ायदा करा देते हैं क्योंकि उनकी उनका असल मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह अपने ऊपर अटेंशन लाएँ और उनको अटेंशन बाकी तो कोई देता नहीं कौन देता है उन्हें सारी अटेंशन हम देते हैं हम दे रसूल ऐसे को मजनून कहा जा रहा है उनको शायर कहा जा रहा है उन्हें कदाब कहा जा रहा है और कुरान कहता है ये कहते हैं ये कहते हैं ये कहते हैं जवाब में क्या करो आरतान छोड़ दो उन्हें तोल्ला पीठ दिखाओ उन्हें बार बार कुरान ये कह रहा है ना तो खैर वो वो अलग बात है लेकिन एक बात यहाँ पर जो समझने की इस मामले इस कॉन्टेक्स में है वो ये है कि कभी कभार सबर का तकाजा ये होता है कि आप कोई रिएक्शन ना दें या तो इसलिए कि उस रिएक्शन का टाइम नहीं है या हो सकता है कि अभी रिएक्शन की आपके पास सलाहियत नहीं है जो मक्के में सहाबा के साथ ज्यादतियां हो रही थी उस वक्त वो जवाबी कार्रवाई कर भी नहीं सकते थे वाला मन सबरा तो वहां पर वस्मिर आलाम सबक नुकमान की आयत मक्के में आई है लेकिन एक और सबर का इम्तहान है वो जरा ज्यादा मुश्किल है हो सकता है कि जिसने आपके साथ ज्यादती की वो एक ज़माने में ताकतवर था और आप कमज़ोर थे लेकिन एक ज़माना आता है कि अब वो कमज़ोर हो गया है और आप ताकतवर हो गए और अब वो आपके सामने है अब वो जब आपके सामने है तो वो जो पहले का खाता था वो अब बैलेंस करना है आगे से उसको जवाब देना है उसने वो चार साल पहले जो थप्पड़ मारा था अब आपको आपका टाइम आ गया कि मैं भी ज़रा स्कोर बराबर करूं उस वक्त अपने आप को रोके रखना और उस वक्त बदला ना लेना यह भी सब्र का इम्तिहान है कि नहीं सबर का बहुत बड़ा इम्तिहान है और देखिए अगर आपको आपके साथ ज्यादा की जा रही है और उसमें आपके पास कोई इकतदार नहीं है सबर तो आप करोगे लेकिन दो चॉइसेस ना या सब्र करोगे या रोगे उसके अलावा क्या कर लोगे लेकिन अगर आपके हाथ में इख्तियार है और फिर भी आपने फैसला किया कि आप अपने आप को रोके रखेंगे और आप माफ़ करेंगे ये कोई छोटा काम है ना वाला मनसब आ रहा वफफ़ आ रहा और जिसने सब्र किया और साथ ही माफ़ भी किया ये तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला काम है लाम नाजमिल इन आयात का ताल्लुक असल में बदले से है बदले के बदले की हमत और बदले को समझना कुरान में وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فاولئك ما كان عليهم من سبيل किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो अपनी मदद करने के लिए जवाबी कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते बाइबल का एक मुहावरा है शायद आपको मालूम होगा टर्न द अदर चीक दूसरा गाल दिखा दो कहने का मतलब क्या है एक तरफ से पत्थर पर मारे तो कहें ये ज़्यादा लाल हो गया इसको भी फिक्स कर दें राइट टर्न द अदर चीक तो क़ुरान क्या कह रहा है कुरान कह रहा है अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है और आप उसके जवाब में अपने हक़ के लिए खड़े हो जाते हो अपनी मदद करते हो या उसको रिटेलिएट करते हो तो क्या आप पर मजम्मत होगी नहीं फला आने ही बिन सबी आप उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जा सकता जो जुल्म किए जाने के बाद जवाब दे रहे हैं जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं इन नमज सबीन केस तो उनके खिलाफ हो जो ज्यादती करते हैं केस तो उनके खिलाफ हो तो फिर तीन आपके पास पॉसिबिलिटी इमकान आ गए अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है मेरे साथ तो तीन तीन इख्तियार है मेरे पास एक इख्तियार है उसने मुझे एक थप्पड़ मारा मैं उसको चार मारूंगा एक इख्तियार है मेरे पास दूसरा इख्तियार क्या है उसने एक मारा है और मैं मैं नहीं मारूंगा वो तो तीसरा इख्तियार है उसने मुझे एक मारा मैं भी उसे एक मारू एक पहला था उसने मुझे मारा मैं उसकी सारी फैमिली को इकट्ठा करके सबको थप्पड़ मारूंगा वो पहला इख्तियार है दूसरा इख्तियार है उसने एक मारा मैं भी एक मारूंगा पहला वाला होगा जालिम, है ना मिन हम वालिम ठीक है आपने किया लेकिन हद से ज्यादा किया वो मिन हम मुख्त उनमें से वो भी हैं जो इतदाल से काम लेते हैं मेरे साथ इतना हुआ मैं भी इतना ही करूंगा वो मिन हम सबिकरात और उनमें वो भी हैं जो अच्छाई में आगे निकल जाते हैं उसने क्या किया माफ किया तीन इम्कान हुए ना लेकिन दूसरे इम्कान में एक खतरा भी है इंसाफ वाले इम्कान में उसने मुझे थप्पड़ मारा ठीक है उसका वजन है पचास किलो मैंने उसे थप्पड़ मारा मेरा, मेरा वेट है एक सौ बीस किलो मेरे थप्पड़ में उसके थप्पड़ में थोड़ा सा फर्क होगा मेरे थप्पड़ के बाद थोड़ी क्रीम लगानी पड़ेगी उ, उसके थप्पड़ के बाद मेरे थप्पड़ के बाद उसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा फर्क आ गया कि नहीं यानी आप समझें कि आप यानी इंसाफ कर रहे हैं इकतिस कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आप हद से ज़्यादा निकल जाए उसका खतरा रहेगा ना उसका ख़तरा हमेशा रहेगा फिर भी अल्लाह ताला ने एक इंसेंटिव दिया है हमें एक तरह से हौसला अफजाई की है कि एक आपको हक रहेगा इंसाफ परसू का आप पे कोई मजम्मत नहीं की जाएगी अगर आप इंसाफ प्रसू कर माफ़ नहीं कर रहे लेकिन अगर आप माफ़ करते हो अगर करते हो तो आपके लिए एक ख़ास इनाम है और वो इनाम क्या है अल्लाह ताला कहते हैं कि अला तोनाफरल्लाकुम फलयाफ़ू अला तोनाफरल्लाकुम इन लोगों को मोहब्बत से दरगुजर कर देना चाहिए और इनको सफ़ा पलट देना चाहिए पलट देना चाहिए इसे मुराद है कि जो बात पहले थी वो तो दोबारा नहीं वापस हो सकता याद है मैंने पिछले साल माफ़ किया था तुम्हें ना 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 वो सफ़ा पलट चुके उसको दोबारा पीछे नहीं पलटना सफ़ा हाँ सफ़े से ही निकला है सफ़े को पलट दो दोबारा वापस नहीं आना उसकी तरफ़ ठीक है अना तो हब्बूना अन अल्लाह लकुम क्या तुम लोगों को मोहब्बत नहीं है इस चीज़ से कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे लाजमन नहीं कहा कि माफ़ करो लेकिन अगर माफ़ करने की इतनी हिम्मत है कि माफ कर सकते हो तो उसका इनाम क्या है कि अल्लाह माफ करेगा और इन आयत पे जब कहा ना वाला ذلك من कबी नाजमिल इन्ही आयत में कहा, कहाा व الله, जिसने माफ़ कर दिया और फिर रिश्ते को दोबारा सही बना दिया असलह असलाह कर ली आम तौर पर कोई अच्छा काम करो तो अल्लाह अजर का जिक्र करते हैं कहते हैं कि उसके उसके गुना माफ़ होंगे या कहते हैं कि उसको जन्नत मिलेंगी उसको बाग मिलेंगे उसको वगैरह में दरिया मिलेंगे उसको जन्नत के फल मिलेंगे किसी अजर का जिक्र है या किसी मगफ़रत का ज़िक्र है यहाँ पर इस एक माफ़ करने की के अमल को इतना ऊँचा मकाम दिया गया है कि कहा है फ़ाज रोहू आज तो अल्लाह के जिमे यानी बयान भी नहीं किया क्या अजर है कुरान जो हर चीज़ को बयान करता है अल्लाह ताला ने उस पूरे मुकम्मल परफेक्ट बयान में यह फैसला किया कि इसका अजर इतना अजीम है कि इंसानी जबान में इंसान उस अजर की अजमत को नहीं समझ सकेगा तो उसके लिए ताबीर यही सही है कि उसका अजर अल्लाह के जिमे बाजर तो कभी कभार ये ये भी हमें जहनीय हमें तैयार करनी चाहिए अपने अपने अंदर के जो कुरान बात कर रहा है ना कभी कभी अल्लाह ताला बात बयान करके समझाते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला बात बयान ना करने से भी समझाते हैं वाजी किए बगैर ज्यादा समझ में आ जाती है बात टीचर का भी यही सिलसिला होता है ना टीचर कभी कभी आपके सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब बाद में समझ आएगा अगर अभी मैं इसका जवाब देना शुरू कर दूं तो ये वाला दर्श भी खराब हो जाएगा और अगले छः लेक्चर भी खराब हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन हो जाएगी तो आपकी आपका ध्यान आपका लिहाज करते हुए आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाना होता है ऐसा कि नहीं जो सही टीचर होता है ना वो गूगल नहीं होता उसमें जो भी एंटर करो उसका वो जवाब देना शुरू कर देगा वरना सारा सारी तैलीम ख़राब हो जाएगी कभी कभी टीचर को कहना पड़ता है इसका जवाब अभी नहीं इस बारे में मैं तफासिल नहीं दूंगा तो कुरान आपकी हर बात का जवाब नहीं देता और आज मैं आजकल मैंने नोटिस किया है जो जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि जिस किस्म के लोग सवाल पूछते हैं उससे पता चल जाता है जहनीत क्या है तो लोग अब कहते हैं कुरान में ये क्यों नहीं है कुरान में वो क्यों नहीं है कुरान में इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं है क़ुरान में उसकी क्योंकि हमने कुरान को गूगल बना दिया ना अब तो गूगल में तो मैं जो भी डालता हूँ उसका मुझे जवाब मिल जाता है अब कुरान में मैं डाल रहा हूँ मुझे उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं है उसका जिक्र क्यों नहीं है कुरान तालीम है अगर आप किसी क्लास में जाते हो पी प्रोग्राम में जाते हो किसी आला तालीम में जाते हो क्लास में बैठते हो इतनी मुश्किलों से आपको उस पर दाखिला मिला है इतना दुनिया का सबसे अजीम प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है कोई और फिर आप कहो कि उसने आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाया है और इस टेक्स्ट बुक में तो मेरे फेवरेट खानों के बारे में भी कुछ नहीं है वेकेशंस के बारे में भी कुछ नहीं है जो चीज़ आपके जहन में है वो उस किताब में होनी है आप यहाँ सीखने आए हो या अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने आए हो तो ये जहनीयत हमें बदलनी होगी क़ुरान के बारे में कि हम किस किस्म के किस सवाल कुरान के लिए लाते हैं अच्छा ख़ैर ये इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा ये दिमाग लड़ाने वाली ताबीर है और इस इसके बारे में मैंने जिस तरह अलहमदिल्ला के बारे में आपको कुछ बताया था ना कि अगर इस तरह कहा होता तो क्या कमी रह जाती उस तरह कहा होता तो क्या कमी रह जाती मेरे मैं जिन जिन काम से मैं बहुत मुतासर हूँ कुछ ओलाएँ हैं दुनिया में जिन्होंने कुरान की बहुत खदमत की है तारीख में भी और आज भी तला उन सब की हिफाजत करे, उनके काम को कबूल करें उनमें से एक शख्सियत हैं डॉक्टर फ़ादिल़ाल इस्साम साम साम से उनका तल्लक है इराक़ में होते हैं और उनके एक स्टूडेंट जो हैं डॉक्टर मुसन् वो मेरे दोस्त भी हैं वो भी इराक़ में वो भी उनसे भी बातचीत मेरी होती रहती है इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं कुरान के मुआजे पर मैं एक दो मिनट लूँगा इनके बारे में कुछ आपको बात बताने के लिए क्योंकि बहुत ही अजीम शख्सियत है ये थे इराक़ में और इराक़ में जो बाथ पार्टी पार्टी है ना सियासी पार्टी सेवेंटीज़ में एटीज़ में इस तरह वो लोग सारे थे कम्युनिस्ट और ज़्यादातर वो एथीस्ट भी थे और इराक़ में एक तरफ तो इस्लाम था और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेक्युलरिज्म था और इस ज़माने में इनको इनकी जब तालीम हुई है तो ये इनका एक बहुत फलसफी किस्म का दिमाग था और ये इनको अरबी अदब से बहुत मोहब्बत थी इस तरह लोग होते हैं जिनका दीनी मिजाज हो ना हो लेकिन उनको उर्दू अदब से मोहब्बत है ठीक है तो इसी तरह इनको अरबी अदब से अपनी तारीख से अपनी तराज से बहुत मोहब्बत थी इन्होंने यानी बहुत अली तालीम हासिल की अरबी अदब में पी एच डी वगैरह की यहाँ तक कि ये बगदाद में तमाम स्कूल्स के जो अरबी एजुकेशन है उसके वो इंचार्ज थे और पी एच डी प्रोग्राम में अरबी भी पढ़ा रहे थे अपने बारे में लिखते हैं कि मैं जवानी के दौर में मेरे जहन में एक ख्याल आया अजान हो रही है इराक़ में और मेरे जहन में ख़्याल आया कि मैं क्यों जाऊँ नमाज़ पढ़ने क्या मिलेगा मुझे अगर मैं इस मज़हब को कबूल करता हूँ मानता हूँ अभी मेरे पास नौजवानी है आज़ादी है इख्तियार है और मैं अगर इस मजहब को कबूल करता हूँ तो मैं अपनी आज़ादी छोड़ रहा हूँ अपने वक्त को अपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर रहा और अपने ऊपर कैदें डाल रहा हूं तो ये मैं अपने ऊपर ये बोझ क्यों डालूं क्या जरूरत है मुझे ये बात कबूल करने की इससे मुझे क्या मिलेगा सिवाय और बोझ के मुझे क्या मिलना है इससे यह सवाल था इस इस शख्स के जहन में इन्होंने जब जब ये जहनीयत इनकी बढ़ी तो उन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया कि अरबी तो पढ़ी कुरान पढ़ने से इनकार कर दिया शेर पढ़ना है? तारीखी शेर और तहजीब के शेर तमाम शेर। कुरान नहीं पढ़ना ना ये मेरे मेरे लायक नहीं इस तरह का है मेरे लायक नहीं है ये पी प्रोग्राम में थे तो किसी ने इनको चैलेंज किया एक तलब इन था इनका इन्होंने इनको चैलेंज किया कहते हैं कि आप ऐसा करें आप कुरान पर तनकीद लिखते हैं अदबी आपकी महारत है आप अरबी के एक्सपर्ट हैं आप ऐसा करें अगर आपको इतना ही यू नो अतम है अपनी अरबी अरबियत पर तो आप क़ुरान का मताला करके कुरान पर बाकायदा क्रिटिसिज्म लिखें और आपको अंदाजा होना चाहिए फ़िफ्टीज़ और सिक्सटीज़ में ख़ासकर मिस्र में कुरान पर बहुत सारी तनखीद भी लिखी गई थी सेकुलरज़म के दिनों में तो उन्होंने चैलेंज को कबूल किया कि मैं लिखूँगा जी इन्होंने कुरान का बहुत गहराई से मुताना शुरू किया पहली किताब शाया करते हैं उसका नाम है अन नबूआा मिनशक्की यकीन मोहम्मद की नबूत मेरा सफ़र शख़्स यकीन की तरफ क़ुरान पढ़ने से इस इंसान के अंदर एक नतीजा जो आया ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है और उसके बाद इन्होंने मैंने खाले अब तक 25 या 30 किताबें लिखी हैं सिर्फ़ कुरान के मजात पर लगत की बुनियाद पे सिर्फ लगत की बुनियाद पे बाद में इनका एक टीवी शो हुआ अभी काफ़ी उम्र रसीदा है जब वॉर हुई थी जंग हुई थी इराक़ में तो वहाँ से निकले थे शारज़ा पहुँच गए थे शारजा में कुछ लोगों ने इनको रिकगननाइज़ किया कि ये कौन शख्सियत हैं तो इनके इनको एक टीवी शो भी आ, करा दिया था बड़ा खूबसूरत टीवी शो था लमसात बानिया अरबी में तो लोगों को जिनको अरबी समझ आती है वॉच लमासात बानिया मिनत तंज़ील तो उनके यूट्यूब पर उसके कुछ क्लिप्स वगैरह हैं तो वो शो भी बड़ा मज़े का था वो क्या था इनके साथ एक मेज़बान बैठा हुआ है ये बैठे हुए हैं और इनसे जो है वो मेज़बान पूछता है कि जी सवाल आया है कि यहाँ पर समावात है यहाँ समा है ये क्यों है जी एक सवाल है यहाँ पर इस तरह है यहाँ पर इस तरह है ये क्यों है जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ तो वो एक एक करा हर एपिसोड में वो जवाब देते और कई साल इनका शो चला टीवी पर और लुबनान से इराक़ से सऊदिया से सूडान से सुबालिया से हर जगह से लोग कुरान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं वो शो देखने का अपना अजीब मज़ा था कि कुरान के इश्क करने वाले कहाँ कहाँ हैं दुनिया में और कैसे कैसे सवाल उनके जहन में आते हैं कुरान के बारे में और वो सारे सवाल जमा हो रहे हैं एक बड़ा ख़ूबसूरत ज़ख़ीरा बना तो अल्लाह ताली का बड़ा करम है कि इन मेरी झाती तो मुलाकात नहीं हुई फ़ोन पर एक दो दफ़ा उन बात हुई है लेकिन इनका एक एपिसोड था उसमें इनका मेज़बान उनसे पूछता है वैसे तो बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी आयत है जिसने आपको यू you नो know, बहुत गहरी सोच में डाल दिया आप बताइए उन्होंने पढ़ा ला खौफन वाहम यनून ला खौफन आलिम वला हुम। उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गम नहीं करेंगे उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गम नहीं करेंगे तो वो जो मेज़बान था शो का वो भी कहता है इश्काल फिहद आई सही थी इसमें क्या मुश्किल है सर तो इतनी आसान सी बात है तो वो कहते हैं कहते हैं कम इस तख रखा कितना लग, कितना वक्त लगा इस आयत पर आपको तामुलत करने में कहते हैं इसमें मैं दो साल से सोच रहा हूँ इस आयत में वो बंदा दो साल से सोच रहा लाख व्यानू हाँ उन बातें तो बहुत सारी की लेकिन उन बातों में से थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने आज रखूंगा इस आयत के बारे में फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा ना खौफन आलिम्ल यासम पहले इसका एक मुख्तर तर्जुमा समझ लें उर्दू में उन पर कोई खौफ नहीं होगा ना ही वो गम करेंगे उन पर कोई खौफ नहीं होगा ना ही वो हैं जो गम करेंगे ठीक है पहली बात देख लें कि यहाँ पर खौफ का लफ्ज़ इसम है और हुज़न गम का लफ्ज़ फेल है खौफ इसम है और गम फेल है इसम और फेल की बात हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं अब अब आपको समझ आ गई होगी खौफ क्या होता है यानी इसम क्या होता है हमेशगी के लिए और फेल क्या होता है टेम्पररी होता है आर्जी होता है, है ना इंसान की तबीयत में देखें सुबह उठता है खौफ होता है देर तो नहीं हो रही खाना खाता है खौफ आता है पता नहीं ट्रैफिक होगी रास्ते में वापस जाते हुए कि नहीं खौफ आता है बिल पे कर दिया था कि नहीं सर्जरी सही से होगी कि नहीं अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं ये शादी होगी कि नहीं प्रेगनसी कैसी जाएगी डिलीवरी कैसी होगी ये कैसे होगा वो कैसे होगा खौफ छोटे और खौफ बड़े इंसान की ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा हैं खौफ के बगैर हम चल नहीं सकते असल में हम चल नहीं छोटे खौफ और बड़े खौफ खौफ हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा हैं लेकिन उदासी जो है वो कभी आती है कभी जाती है कोई पुरानी चीज़ याद आ जाए तो उदासी हो जाती है फिर उसका ख्याल चला जाए और फिर दोबारा दूसरी तरफ इंसान आगे मजीद चलना शुरू कर देता है इस तरह समझ लें कि खौफ मुस्तबिल के लिए होता है और जो जो उदासी है वो माजी के लिए होती है खौफ का ताल्लुक आगे आने वाली चीज़ से है जिस अभी एग्जाम होने वाला है तो शागिर्द को क्या होता है खौफ और जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा है खौफ बढ़ता जा रहा है जब टीचर पेपर रख रहा है सामने वाले के डेस्क पे है पर आपके डेस्क पे आता है और जब पेपर खत्म हो जाए और आप क्लास से निकल रहे हो उस वक्त उदासी होती है <laughs> खुशी भी होती है और रिजल्ट रिजल्ट आने से पहले खौफ रिजल्ट देखने के बाद उदासी <laughs> अबू को बताने से पहले खौफ अबू की गालियां सुनने के बाद <laughs> मुस्तबिल है खौफ और जो गुजर गया उसके लिए क्या है उदासी और माजी जो है वो कभी याद आता है कभी नहीं आता वो हमेशा जहन में नहीं रहता कभी कभी ख्याल आ जाता है तो जो चीज़ मुस्तकिल है जो हमेशा जहन में रहती है वो है सामने आने वाली चीज़ तो खौफ के लिए इसम का लफ्ज़ ज्यादा मुनासिब इसम का उसलूब और हुजन के लिए फिल का उसलूब ज्यादा मुनासिब है फिर इसमें यह भी कि पहले क्या है पहले खौफ है किसी भी चीज के मामले में पहले क्या होता है खौफ अब वो वाकया गुजर जाए और वो हमारी तो के खिलाफ हो तो फिर उसके बारे में क्या होता है उदासी होती है तो इसीलिए हुजन पहले नहीं है खौफ पहले ये नहीं कहा ना हम या जनून वाला खौफ उन ना 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 एक नेचुरल सीक्वेंस है ला खौफ उन आलिम वाला हम अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं सब्सक्राइब ना हो तो चलते तो एक जबर से भी और एक, एक हल्की सी जबर और एक पेश से भी तनवीन से भी कुरान के वह में कितना फ़र्क आ जाता है और ये चीज़ें क्योंकि हम तर्जुमे में कैप्चर नहीं करते हैं ना तो उससे भी मेरे नज़दीक लोग तर्जुमा आसान तर्जुमा पढ़ते हैं समझते चले हैं चले अब कुरान समझ आ गया तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजनस भी आ जाती हैं क्योंकि जो चीज़ें बारीक तरीक़े से कुरान ने कही हैं इस ज़बान का इख्तियार ने ख़ास मकसद के लिए किया था ये ज़बान अरबी ज़बान बहुत साइंटिफिक है इसमें एक एक बारीक, नाजुक सी प्रसिजन है और इस तरह की बारीक प्रसिजन जो है वो और ज़बानों में नहीं है इस तरह से